तो गाइज आज गुरुवार है और गुरुवार का नाश्ता करने के लिए हम डेली की तरह आज फिर मैस में आए हैं और नाश्ता हम बताने वाले। हम रोज़ जो है आपको सीरीज नाश्ते की चला रखी है हमने। आज चौथा दिन है, रविवार से लेकर आज गुरुवार तक चौथा नाश्ता। जैसा कि हम बता रहे थे कि सातों दिन अलग अलग नाश्ता मिलता है यूनिवर्सिटी की मैस में, उसी क्रम में देख लीजिए आज जो हमें नाश्ता मिला है, ये चार पूड़ियाँ हैं, गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं चार, और उसके अलावा हमें सब्जी मिली है आलू की, और उसके बाद हमें मिला है ये गिलास है छोटा जिसमें चाय है। और बात करें अगर चाय में मीठा कम होता है तो हमें यहाँ से चीनी एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो हम चीनी एक्स्ट्रा डाल के, क्योंकि जो है मुझे आदत है थोड़ा मीठा चाय पीने की, तो मैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा चीनी डाल लेता हूँ। हालांकि कुछ स्टूडेंट को है जो कम मीठी चाय पसंद होती है, तो वो कम मीठी ही होती है चाय एक्चुअली, उसके बगल में चीनी का डिब्बा रखा रहता है, आपको अगर मीठी चाय पीनी है तो मीठी पीजिए। उसके बाद में आज किस तरीके से पूड़ी होने वाली है, देखिए पूड़ी जो है कुरकुरी है, कुरकुरी हमारे देसी लैंग्वेज में कहते हैं, राजस्थान के आप तो समझ गए होंगे कुरकुरी का मतलब क्या होता है, कि जो पूड़ी है वो फूली फूली है और एकदम अच्छे से पकाई हुई है, जिस वजह से वो है थोड़ी कड़क कड़क हो जाती है, उसे कहते हैं हम कुरकुरा। तो पूड़ी है कुरकुरी है, और पूड़ियों की क्वालिटी देखने में तो मुझे अच्छी लग रही है, बाकी खा के बताते हैं कि आखिर पूड़ी आज कैसी बनी है। और गुरुवार का दिन है आज, और हर एक दिन की सीरीज के चलते हम आज फिर से नाश्ता करने आए, और देखिए मेरे पीछे देख लीजिए आप, स्टूडेंट्स जो हैं कम आए हैं आज, और आज भी सर्दी का माहौल इतना ही है। सर्दी के माहौल को देखिए मैं थोड़ा कम फील कर पा रहा हूँ, बट आप देखेंगे मेरे साथ इधर नवीन जी बैठे हुए हैं, उन्होंने टोपा लगाया हुआ है, नवीन जी का टोपा हालांकि ब्रांडेड है, नाइकी का टोपा है उनका, ब्रांडेड टोपा उन्होंने लगाया हुआ है। इधर जो है बैठे हैं वो है हमारे, क्या नाम है साहब, रोहित जी हैं वो, उनको भी सर्दी लग रही है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं टोपा लगाया हुआ है। तो सर्दी का माहौल आज भी है, और यूनिवर्सिटी में सर्दी इसलिए भी लगती है क्योंकि यहाँ का जो माहौल है एकदम जो है इको फ्रेंडली, जिसे कहें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से बहुत ठंड लगती है, तो हमें भी ठंड लग रही है, हमने ट्रैक सूट पहना हुआ है और कानों पे हम कुछ लगा के नहीं आए। और दूसरी बात, आपको पूरा नाश्ता हम करके और इसका रिव्यू देने वाले हैं कि किस तरीके का जो है आज नाश्ता बना है। बाकी देख लीजिए चार पूड़ी मिली है, सब्जी मिली, और हाँ सबसे मेन बात ये है कि एक्चुअली चार पूड़ी इतनी भारी हैं कि उसमें ईजिली सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाता है, बट फिर भी किसी स्टूडेंट्स को अगर सुबह का ब्रेकफास्ट इसमें भरपूर नहीं मिलता है तो एक्स्ट्रा पूड़ी जो है आप आराम से जो है मेस में जो है वर्कर उनको निवेदन करके ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप दादागिरी करें, बट हाँ आप निवेदन करके उनसे एक एक्स्ट्रा पूड़ी ले सकते हैं, एक दो पूड़ी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और बाकी बात रही तो चार पूड़ियाँ ही हैं जो नाश्ते में हैं, और चार पूड़ियाँ हैं वो भरपूर हैं, क्योंकि जो लंच का टाइम है करीब 4-5 घंटे बाद में लंच होता है, तो इस टाइम के लिए तो सूपी सेंटर है पूड़ियाँ। तो गाइस नाश्ता हो चुका है हमारा, ये देख लीजिए हमारी प्लेट है, आपको दिखा देते हैं, प्लेट पूरी साफ़ है, तो इमेजिन कर सकते हैं आपकी क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि सुबह के वक्त जटकर कोई इंसान आता है, कोई स्टूडेंट आता है और वो अपनी पूरी प्लेट को साफ़ कर देता, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है क्वालिटी मेंटेन यहाँ पर की हुई है। और बात करें पूरे नाश्ते की, तो नाश्ता काफ़ी बढ़िया था और हैवी था, ऐसा नहीं कि जो है एक घंटे बाद में हमें भूख लग जाए। बाकी अभी हम चाय पी रहे हैं, चाय में हमने थोड़ा मीठा करने के लिए चीनी डाली थी। और नवीन भैया आप बताइए कि मतलब किस तरीके का नाश्ता था आज, नाश्ता किस तरीके का था? नाश्ता बहुत अच्छा था, और आपका पेट भर गया? पेट भर चुका है, लेकिन पूड़ी थी वो, हालांकि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी थी, थोड़ा तेल जो रहता है, लेकिन हालांकि खाने में टेस्टी था, सब कुछ टेस्टी था खाने। अब वो तेल उस वजह से रहता है क्योंकि वो फूलती है, वो निकाल नहीं पाते हो, बाकी खाने में बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगी थी हमें ये पूड़ियाँ। और ब्रेकफास्ट होता है अपने लिए, और उसके बाद सब्जी का कैसा क्या सीन रहा आपका? सब्जी भी बहुत टेस्टी थी, कम मसाले वाली,
और जो कि हर कोई खा सकता है उसको, हर कोई उसको खा सकता है। देखिए हाँ, अगर ओवरऑल नाश्ते की अगर हम बात करें तो नाश्ता जो है सूफी सेन था और पूड़ियाँ भी थी वो बहुत अच्छी थी, और बाकी जो है अगर हमने पूरी प्लेट साफ कर दी है तो कहीं ना कहीं ये देखिए इनकी प्लेट में कुछ बचा है। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स में होता है क्योंकि वो छोटा सा टुकड़ा मेरी प्लेट में बचा था और मैंने जो है उधर ट्रांसफ़र किया था, और उधर उन्होंने अपनी प्लेट देखी कि मैं तो खाली प्लेट करके गया था और उसके बाद उन्होंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो निक्की जी के खुद की है पूरी जो मेरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दी है और ये गलत चीज़ है। चलो जी नाश्ता एकदम ओके, तो आज का रिव्यू होता यही ख़त्म। नाश्ता एकदम ओके था और बाकी बहुत इंटरेस्टिंग ये नाश्ता था और हमारे बीच में वार्तालाप आपने सुनी ली थी। तो अभी के लिए लेते हैं विदा और चलिए ठीक है ओके बाय बाय।